एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 7 रीटा एट 3/4 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, राइट। रीटा ने जो एप्पल था उसका 3/5 पार्ट उसने खाया और बाकी का जो पार्ट है उसने वो उसके भाई ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो सोमू ने कितना एप्पल खाया होगा। हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच, किसने ज्यादा शेयर किया और कितना किया। तो यहाँ हमें 3 क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। शेयर ऑफ ऋतु, थ्री अपॉन फाइव, उसके बाद शेयर ऑफ सोमू, तो टोटल पूरा कितना होता है 1, उसमें से ऋतु ने ले लिया 3/5, तो 1 - 3/5, तो सोमू के लिए कितना बचेगा। तो हमें यहाँ इसका सिंप्लीफाई करना होगा, तो 1 - 3/5, तो यहाँ से 1 - 5 - 3/5, 5 - 3 - 2/5, तो सोमू के लिए कितना बचा था 2/5। इट इज क्लियर शेयर ऑफ रितु इज मोर, राइट। क्यों रितु का ज्यादा है, क्योंकि रितु ने कितना लिया था 3/5 और सोमू का 2/5, यानी रितु का ही ज्यादा है। डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ रितु एंड सोमू, किसने ज्यादा खाया वो हमें फाइंड करना हो तो उसका हमें डिफरेंस लेना होगा। तो ज्यादा किसका है, रितु का जो 3/5 माइनस सोमू का जो है 2/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है 5, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। सो 3 - 2 - 5, 3 - 2 कितना होगा 1, तो 1/5 पार्ट वो रितु ने ज्यादा शेयर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फिन इज कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, राइट। तो उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया उसका कलर करने का पिक्चर, 7/12। वैभव फिन इज कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स, हु वॉक्ड लॉन्गर, कितने ज्यादा समय तक काम किया। और दूसरा हमें फाइंड करना है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितने ज्यादा फ्रैक्शन, राइट। ये हमें फ्रैक्शन में ही आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट टाइम टेकन बाय माइकल फिनिश द पिक्चर इज इक्वल टू 7/12 आवर्स, राइट। माइकल का है 7/12 आवर और वैभव का है वो है 3/4 आवर। यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, माइकल का है डिनोमिनेटर का डिजिट 12 और वैभव का है 4, सो हमें 12 एंड 4 का एलसीएम लेना होगा, जो क्या आएगा 12 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, राइट। तो यहाँ देखो एलसीएम फाइंड किया है, 2 6 = 12, 2 2 = 4, अगेन 2 3 = 6 एंड 2 1 = 2 एंड नाउ 3 1 = 3, यानी कि 12 आंसर आएगा। सो हमें जो फर्स्ट 7/12 है उसे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 12 है ही, बट जो 3/4 है तो यहाँ पे 4 है, इसलिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 3 3 = 9 और डिवाइड में 4 3 = 12। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए 12 and 12, राइट। तो फर्स्ट जो माइकल है उसका न्यूमरेटर है 7 एंड वैभव का जो आंसर आया उसका न्यूमरेटर है 9, तो यहाँ क्लियर ही है कि 9/12 है वो
सेवन अपॉन ट्वेल्व से ग्रेटर होंगे, यानी कि नाइन अपॉन ट्वेल्व किसका आंसर था? वैभव का। वैभव टेक्स मोर टाइम टू फिनिश द पिक्चर, राइट। हम थ्री अपॉन फोर देख के ये बोल दे तो वो सही नहीं होगा, हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। अब हमें उसका डिफरेंस फाइंड करना होगा, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ किसने ज़्यादा टाइम लिया वो फाइंड करना हो तो हमें डिफरेंस लेना होगा। सो डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय वैभव एंड माइकल टू फिनिश कलरिंग द पेंटिंग, तो थ्री अपॉन फोर माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व। तो यहाँ थ्री अपॉन फोर का आंसर क्या आया था? थ्री थ्री जा नाइन माइनस सेवन, तो नाइन माइनस सेवन आएगा टू अपॉन ट्वेल्व। टू अपॉन ट्वेल्व को हम कट करेंगे टू टू से, तो वन अपॉन सिक्स, यानी वैभव टेक्स वन अपॉन सिक्स आवर मोर देन द माइकल टू फिनिश द पेंटिंग। 2.2 First question, which of the drawing A to D shows? तो यहाँ पे जो हमें drawing दिया है उसका answer ये जो चार question है उसमें से कौन सा होगा, right? आप notebook में जो सही question है उसके सामने उसका drawing करोगे, right? Suppose यहाँ पे first question है 2 × 1/5, तो यहाँ 1/5 यानी कि टोटल 5 है उसमें से 1 पार्ट लिया है, और वैसे कितने पिक्चर्स होंगे? 2 पिक्चर्स। तो ये देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट, उसमें से ये 1 पार्ट लिया है और वैसे हमारे 2 पिक्चर्स है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, तो आप ये क्वेश्चन लिख के इसका ड्राइंग करोगे। उसका पूरा सॉल्यूशन भी होता है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ये मैजिक की तरह आपको इसका सही आंसर आपको ये ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 × 1/2, यानी जो टोटल पार्ट 2 है उसमें से हमें लेना है 1 पार्ट, तो ये 2 पार्ट है उसमें से 1 पार्ट सेट एड किया है, और वैसे कितने हैं? 2। तो ये हमारी फर्स्ट और ये सेकंड, राइट। इसलिए सेकंड का आंसर हमने लिखा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3 × 2/3, तो टोटल पार्ट कितने होंगे? 3, उसमें से कितने पार्ट लेने हैं? 2, तो टोटल 3 पार्ट वाली फिगर हमारी है ये वाली, राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसमें से 2 पार्ट्स, तो ये वाले 2 पार्ट्स हमने ले लिए, और वैसे कितनी फिगर होगी? 3। तो ये 1, ये 2 और ये 3 फिगर, तो 3 का आंसर हमारा ये है। फोर्थ क्वेश्चन है 3 × 1/4, तो टोटल पार्ट है 4, उसमें से शेडेड पार्ट कितना होगा? 1, तो यहाँ देखो 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, और कितनी फिगर्स आएगी? 3, तो ये 1, ये 2 एंड 3, यानी फोर्थ का आंसर होगा ये। सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शोज, तो इसका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन किया वो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट, पर हमने दोनों में ये नहीं किया है। अब यहाँ मैं आपको वापस एक्सप्लेन करके बताऊंगी, आप डायरेक्ट या ये वाला बॉक्स नहीं लिखोगे, यहीं से स्टार्ट करना। 3 × 1/5 इज इक्वल टू 3/5, राइट। ये वाला पिक्चर हमें यहाँ कौन सा बताता है? तो ये यहाँ मैंने सॉल्व करके आपको दिया है, राइट। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों मैंने इस तरह से नहीं लिया है। अब देखो यहाँ 3 × 1/5, यानी कि 1/5 इंटीजर जो फ्रैक्शन है हमारा, सॉरी, वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो यहाँ हमने 3 टाइम लिया, 1/5 + 1/5 + 1/5, तो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए न्यूमरेटर का प्लस, 3 + 1 + 1 + 1 = 3/5, राइट। तो यहाँ देखो ये जो आपकी फिगर है, राइट, उसमें टोटल पार्ट 5 है,
उसमें से वन पार्ट है वो सेडेड किया है। ऐसी यहाँ थ्री पिक्चर्स ली है और टोटल कितने पार्ट लास्ट में सेडेड होंगे, थ्री पार्ट्स, वन टू एंड थ्री, यानी 3/5। सेकंड क्वेश्चन है 2 × 1/3, तो 1/3 हमें कितनी बार लेना होगा, 2 times, 1/3 + 1/3, डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए न्यूमरेटर का प्लस, तो न्यूमरेटर में है 1, तो 1 + 1, 1 + 1 इज 2/3, राइट, 2/3, यानी के टोटल 3 parts में से 2 parts, तो यहाँ फर्स्ट जो है 1, 2 and 3 part, उसमें से 1 part से डेड किया, प्लस अगेन वही फिगर, यहाँ पे आप प्लस की साइन कर देना राइट हर एक में, तो आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे टोटल सेडेड पार्ट हो गए 1 and 1, 2 parts सेडेड और टोटल है 3 parts। थर्ड क्वेश्चन इज 3 × 3/4, तो 3/4 फ्रैक्शन है उसे हमें लेना है 3 times, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से होगा, 3 × 3 = 9/4, तो 9/4 को हम कन्वर्ट करें तो 2 × 4 = 8, रिमाइंडर इज 1, राइट, तो 4 integer 1/2, सॉरी हमें 9 को 4 से डिवाइड करना है राइट, तो 4 × 2 = 8 एंड 1 रिमाइंडर, सो 2 integer 1/4, राइट, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से वापस। अब टोटल पार्ट यहाँ पे कितने हैं, 4, तो यहाँ देखो आपको पिक्चर दिखाया है उसमें 4 parts है, 1, ये 1, 2, 3, 4, तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ पार्ट, उसमें से 3 parts सेडेड है, यानी ये वाला और ये वाला सेडेड किया है, आपको देखो फिगर में दिखाया है, ऐसी कितनी फिगर होगी आपकी, 3 figures, यानी 1, 2 और ये 3 figures। अब जब यह हम 3 + 3 + 3 करेंगे न्यूमरेटर का, तो हमारा टोटल होगा 9/4, राइट, तो 9 parts है, इसलिए ये फर्स्ट जो ट्रायंगल है के उसके 4 parts, 1, 2, 3 and 4, सेकंड के 1, 2, 3 and 4, यानी 8, और थर्ड जो ट्रायंगल है उसका 1 part हमने सेडेड किया है, तो 9/4 इज अवर आंसर।